दोस्तों रिया चक्रवर्ती ने जिन बॉलीवुड सेलेब्स के नाम एनसीपी को बताए हैं जो ड्रग एंगल मामले में कहीं ना कहीं लीन है, उनमें जो दो सबसे बड़े नामों का खुलासा हुआ है उसमें से एक है सारा अली खान, दूसरी है रकुल प्रीत सिंह। रकुल प्रीत सिंह के बारे में ही ये वीडियो है। रकुल प्रीत सिंह रिया चक्रवर्ती की बहुत अच्छी दोस्त भी रही हैं। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस और तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें रकुल प्रीत सिंह रिया चक्रवर्ती के साथ जिम करते हुए जा रही हैं, जिम करते हुए आ रही हैं। कहीं ना कहीं जिम पार्टनर भी रकुल प्रीत सिंह रही हैं। लेकिन आपको बताया कि शुरू से ही रकुल प्रीत सिंह एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पैसे कमाने की लत उन्हें बहुत ही ज्यादा लेवल थी, इसलिए कॉलेज पढ़ने की उम्र में ही यानी 18 साल की उम्र में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। आपको बताया कि रकुल कॉलेज के दौरान से ही एक्टर बनना चाहती थी, यही वजह है कि उन्होंने 18 साल की उम्र में कॉलेज में रहते हुए ही मॉडलिंग शुरू कर दी। साल 2009 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली से एक्टिंग डेब्यू किया। रकुल ने इस फिल्म को इसलिए साइन किया था क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाना चाहती थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। गिल्ली में निभाए रोल के लिए रकुल को तारीफें मिली। साल 2011 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने 5 टाइटल अपने नाम किए। साउथ में नाम कमाने के बाद रकुल ने 2014 में बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म यारियां उनकी डेब्यू फिल्म थी जो कि फ्लॉप साबित हुई। बॉलीवुड में रकुल प्रीत सिंह का करियर भले ही फ्लॉप साबित हुआ हो लेकिन साउथ की फिल्मों की वो स्टार कही जाती हैं। कई ऐसी फिल्में हैं जहां पर उनके किरदारों की काफी तारीफ हुई है और जहां तक पैसे बनाने की बात है, पैसे अच्छे खासे उन्होंने साउथ फिल्मों से ही बनाए हैं। अब रकुल प्रीत सिंह का नाम ड्रग एंगल मामले में आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ना वो केवल ड्रग लेती थी बल्कि इस कारोबार में बकायदा शामिल भी रही है। आपको बताया कि रकुल प्रीत सिंह के कुछ वीडियोस बहुत ही पुराने अब जाकर वायरल हो रहे हैं जिसमें वो योगा कर रही हैं और लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह भी दे रही हैं। वैसे आप कोई सलाह देना चाह रहे हो रकुल प्रीत सिंह को तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों।